बताइए आपका क्या नाम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अमरनाथ साहब फुलपत्ती है, दिक्कत है। हम जमीन लिए रहे हैं आज 32 साल हो गए, और 32 साल हो गए अब हमारे के आगे पीछे ना है, और कॉलोनी या सरकारी हम बनावे जाते हैं, जेकर खेत हम बने ना दे तक रहा है। कौन नहीं बनाने दे रहा है? जिसकी जमीन है कीरत मौर्या, कीरत मौर्या दिया है, उसका 4 लड़के हैं, वो 4 लड़के नहीं बनने दे रहे हैं। कितनी साल पहले जमीन खरीदी थी? जमीन साहब 32 साल पहले है, इसका हम पेपर पे लिखा है। 32 साल पहले जमीन खरीदी, कितने में खरीदी थी? 25,000 में। तो क्या दिक्कत कर रहे हैं? दिक्कत कर रहे हैं कि हमारी जमीन फाजिल है। अच्छा, तो कहाँ मकान बन रहा है आपका? अस्थी अम्बेडकर नगर में। कौन सा थाना है? आलापुर। कॉलोनी मिला है, क्या मिला है आपको? कॉलोनी मिला शायद। कहाँ बना रही हैं कॉलोनी? कॉलोनी भी जमीन पे। कहाँ है जमीन दिखाइए। रहने का घर नहीं है तुम लोग के पास? नहीं साहब, यही है, यहीं पे रहते हैं और कोई कहीं पे घर मकान नहीं है? कहीं नहीं है। कॉलोनी कौन सा बन रहा है ये? यही। हाँ, क्या समस्या आ रही है? समस्या बने ना देते हैं, अब थाना में हम अप्लीकेशन डाले, पुलिस आए तो मतलब एक दिन आई के रोका चालू कराए, ये लोग थाने में पुलिस 100 नंबर पे फोन कर दिए, 100 नंबर आई के रोका ही दिए, और रोका एक बार फिर 5 दिन का परसों मांग लिए नापे वाला, 5 दिन थाने में से बंद कराए दिए, ना हम बना सकित ना हम कुछ कर सकित। अभी लोग दीवानी करिए 5 दिन में, का करिए कुछ पता ना है। और कोई थाने में आप लोग गए थे? हाँ, इसकी सूचना दी हैं? हाँ। क्या बताया गया? वो 5 दिन का बंद हो कह दी है, 5 दिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, नापे वाला काम या इनका हुई हो, कुछ ना करते हैं, न नापते हैं न जोखते हैं, काम हमारे बंद करा के रखे हैं, 5 दिन का टाइम लिए है तो दीवानी करे खाती। जी अभी ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमारी तुम लोगों का स्टाम्प पेपर है वो फर्जी है, पूरी ज़मीन आप खाली करिए, या बोलते हैं कि यहाँ बनाना नहीं है, कि पूरी ज़मीन हमें वापस चाहिए। स्टाम्प पेपर के माने लोग कागज़ समझ रहे हैं। अब तो बोलते हैं हमारी ज़मीन ज़्यादा, हमने बोला कि अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो आप लोग माफ के हमारा दे दीजिए, ले लीजिए, कि हमारी पूरी ज़मीन वापस करिए। क्या नाम है आप, कौन है? मैं रीता, इनकी बड़ी लड़की हूँ। अच्छा, कोई भाई है आपका? वो मेरे भाई का एक लड़का है, इसीलिए हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए लोग दबाव डाल के मजबूरी हो रही है, लड़का और पता है कि दिन हमें देखे फरक। हमारे भाई का यही एक ही लड़का है, हम लोग अपने मजदूरी मेहनत से हम लोग अपना घर चला रहे हैं, खेत बाड़ी हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ मजदूरी करके आज 32 साल से रह रहे थे, अब उन लोगों का अब कॉलोनी कितने सालों बाद आई है, वो भी वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं रहना है हमारा, वापस करो, स्टाम्प पेपर माने कुछ नहीं है, फर्जी है। अब ये लोग हमारे गरीबी का फायदा उठा रहे। क्या नाम है जिनका जो रोक रहे हैं? कीरत मौर्या, कीरत मौर्या का लड़के हैं वो, नरेंद्र मौर्या। आप लोग देख सकते हैं ये गरीब परिवार हैं, इनके पास मकान नहीं है, ये छान छप्पर रख के ये लोग रह रहे हैं, और कॉलोनी मिला हुआ है जो कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन ये बना नहीं दे रहे हैं। जिससे इन्होंने ज़मीन ख़रीदा है वो तो जबरन तरीके से काम को रुकवा दिया गया है। ये बेसहारा फैमिली है, आप देख सकते हैं।